हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं यहाँ ट्रेवल में खाने के लिए बना रही हूँ आलू की सब्जी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले सब्जी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ आधा कड़ची ऑयल ले लिया है। ऑयल हमें कम ही लेना है क्योंकि ये ट्रेवल के लिए हम बना रहे हैं। तो अच्छा यही है कि आप कम ऑयल वाली सब्जी ही बनाएं। फिर इसमें हम आधा टीस्पून जीरा डाल देंगे। जैसे ही जीरा तड़कने लग जाएगा इसमें हम एक मीडियम साइज की प्याज को चॉप करके डाल देंगे और प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम बारीक कटे आलू को डाल देंगे। आप आलू को किसी भी शेप में कट कर डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे इनको। अब हम यहाँ डालेंगे पाउडर मसाले, जैसे 1 टीस्पून नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर कलर के लिए, और तीखे के लिए हरी मिर्च डालेंगे हम यहाँ। ये आपके ऊपर है आप हरी मिर्च खाएं या फिर लाल मिर्च पाउडर। वैसे मैं आपको प्रिफेयर करूँगी कि हरी मिर्च हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, और कलर के लिए आप कश्मीरी मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे इन सबको। अब आलू को गलाने के लिए इसमें हम आधा ग्लास पानी डाल देंगे और इसको ढककर पकने देंगे जब तक आलू गल नहीं जाते। मेरे पास 2 अंडे भी थे और ये टूर हमारा 10 से 15 दिन का होने वाला है, तो मुझे अंडे खत्म करने थे, तो मैंने इसके अंडे की भुजी बना ली। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी क्योंकि हमें ये आलू की सब्जी में ही डालना था। सबसे पहले हमने 1 टीस्पून देसी घी लिया, उसके बाद 2 अंडे डाल दिए, नमक और काली मिर्च, उसके बाद उसको मिक्स करते रहे और बनके हमारी तैयार हो गई अंडे की भुजी। आप देख सकते हैं फटाफट हमारे अंडे की भुजी बनकर तैयार हो गई है। अब हम आलू को भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आलू हमारे अच्छे से गल गए हैं। इसका थोड़ा सा पानी हम ड्राई कर लेंगे। एक दो मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो आलू का पानी था वो ड्राई हो गया है। अब इसमें हम अंडे की भुजी डाल देंगे और ये हमारी बेहतरीन सी सब्जी बनकर तैयार है। इसको अच्छे से फैलाकर ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद हम इसको पैक करेंगे। और अभी तो 12 बज रहे हैं और हमें 2 बजे निकलना है। घर को भी अच्छे से पैक कर लिया है। जो सामान आपको दिख रहा है वो ले जाने वाला था, बाकी सब मैंने अच्छे से पैक कर लिया है। हमें घर से निकलते निकलते 2 से 2:30 बज गया था। अब मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं दिवाली की छुट्टियों में घर, बट दिवाली की छुट्टी तो चली गई, हमारी एयर टिकट लेट हो गया है। हमारा जो दिवाली से पहले का टिकट था वो वेटिंग में था और एंड टाइम पर जाने से 4 घंटे पहले वो वेटिंग क्लियर नहीं हो पाई और वो कैंसिल हो गया। तभी मैंने ऐसे ही तैयारी करी थी, बट अब क्या करें, 10 से 15 दिन के लिए घर ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकते। अगर घर गंदा छोड़कर जाएंगे तो गंदा ही मिलेगा, फिर आने के बाद मेहनत करनी पड़ेगी। हल्की सी डस्टिंग करने से ही घर साफ हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और हम ये निकल गए हैं घर से। और ये हम मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर आ गए हैं।
और ये हम आ गए हैं ट्रेन के पास जिसमें हमें जाना है तेजस राजधानी। अब इसके गेट ओपन होने में टाइम था। और ये हमारा नोटी बेबी शुरू हो गया है अपनी नोटी एक्टिविटीज में। और ये हम फाइनली ट्रेन के अंदर बैठ गए हैं। यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि हम लोग घर जा रहे हैं। इतनी मुश्किल से तत्काल में टिकट मिला है। फेस्टिवल के टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है टिकट्स का मिलना। पाँच बज गए थे और ये हमने 8 बजे खाना खा लिया था। उसके बाद हम लोग सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और ये नोटी बेबी कोई आंटी थी ट्रेन में, उनके साथ खेलने लगा था। उसके बाद हम लोग 9:30 बजे दिल्ली उतर गए थे और जो हमारी रामपुर वाली ट्रेन थी वो 11:30 बजे की थी, तो टाइम ज़्यादा था। फिर हम लोग वेटिंग रूम में आ गए थे। अगर आप एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं और आपकी दूसरी ट्रेन आने में टाइम है तो वेटिंग रूम बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ आपको बेस्ट फैसिलिटी मिलेंगी, हर एक फैसिलिटी मिलेंगी, वॉशरूम, खाने के लिए हर एक चीज़ अवेलेबल होती है यहाँ पर। यहाँ हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया था। और ये हमारा नोटी बेबी। फिर इसके बाद हम लोग निकल गए थे। हमारी दूसरी ट्रेन का टाइम हो गया था और ये हमारी बनारस वाली ट्रेन लग गई थी। और ये हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन में बैठ गए हैं। यहाँ हमने थोड़ी रील वगैरह बनाई। दोपहर के 2 बज गए थे, मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं था, मुझे लग रही थी भूख, तो ये थाल ली थी थोड़ा बहुत पेट भरने के लिए। मुझे ट्रेन का खाना पसंद नहीं है इसलिए मैं खाना पैक करके लाती हूँ। हमारा जो सफ़र है वो बहुत लंबा था इसलिए खाना इनफ नहीं था। फिर उसके बाद हम उतर गए रामपुर और यहाँ हमें सब लोगों ने आकर सरप्राइज दे दिया था। हमें बिल्कुल भी यकीन ही नहीं था कि कोई आएगा हमें पिक करने के लिए, क्योंकि ये घर से बहुत दूर पड़ता है। बट रियली हम दोनों वाकई में सरप्राइज हो गए थे।
फिर उसके बाद हमने आगे का सफर किया। और ये हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर आ गए थे। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय।